जी शुरू करें। हाँ जी सर, आ रही है जी आवाज? जी आवाज आ रही है। सर ऐसी है बात कि जो हम अंकित सर बात कर रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट की, वो किसानों की बात कर रहे थे यूनियन की, तो यूनियन तो है जो 30-40 यूनियंस के लीडर है, तो इन्होंने जो मोदी की सरकार है ये अपने आप ही अलग से इन्होंने अपनी यूनियन के बहुत बंदों के नाम पे इन्होंने यूनियन बना ली, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जाली बनाकर बेच सकते हैं। तो मैंने आज कुछ अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ लाइनें लिखी थी हमारी अदालतों के लिए, जो हमारी अदालतें हैं कैसे गरीब बंदा जो है वो भटकता रहता है वहां पे, उसके लिए लिखा था सर पंजाबी में। मैं उसको ट्रांसलेट भी कर दूंगा हिंदी में बाद में, बोलने लगा हूँ जी। देश विच उंज भावें वड्डियां अदालतां, पैसे नाल केसां दियां हुंदियां वकालतां, माड़ा वेखदा बेचारा इंसाफ कदों मिलू, बह के तकड़े दे घर इत्थे बणदे कानून, पर मंजिलां ते उही बंदे पहुंचदे हमेशा, जिहड़े तुरदे ने दिल विच रख के जनून, जिहड़े तुरदे ने दिल विच रख के जनून। माड़े भी बथेरे बंदे चंगे भी बथेरे, सच बोलदे जो इत्थे सूली टंगे भी बथेरे, इक दिन दा ही बन जांदा यारो इतिहास, उंज जिंदगी च दिन भावें लंघे ने बथेरे, किन्नी देर तक दस दस दे दवावेंगा आवाज नूं, जंग जित के ही मिलू साडे दिल नूं सुकून, मंजिलां ते उही बंदे जांदे ओंकार, जिहड़े तुरदे ने दिल विच रख के जनून, जिहड़े तुरदे ने दिल विच रख के जनून। सर मैं इसका थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कर देता कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी अदालतें हैं, पैसे के साथ जो वकील हैं जज हैं पैसे से बिक जाते हैं, बड़ा जो माड़ा बंदा है वो इंसाफ के लिए भटकता रहता है, तकड़े के घर में जैसे अभी बन ही रहे हैं हम देखते हैं कानून बनते हैं, पर मंजिल पे वही बंदा जाता है जो जिसके दिल में जुनून है, हकों के लिए लड़ते हैं लोग, जहाँ पे अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं, जो सच बोलते हैं उन्हें सूली पे भी टंग दिया जाता है। तो जो इतिहास बनता है वो एक दिन में ही बनता है, वैसे तो जिंदगी में बहुत समय जो निकलता जाता है, और हमारे दिल को सुकून तभी मिलेगा जब हम इस आंदोलन की जीत हो जाएगी हमारी। ऐसे मैंने कुछ लाइनें लिखी थी तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अभी अभी लिखी थी, पूरा करना है इसी पोएम को भी। बहुत बढ़िया शुक्रिया सर, जी, बहुत ही बढ़िया सर। सर बहुत इसके लिए जी शुक्रिया। एक बात याद आती है, जैसे आपने बोला ना कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं बेसिकली उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाती है कोर्ट में, तो मेरे को अभी रिसेंट अर्नब गोस्वामी का केस याद आता है। तो जैसे काफी जो एज्ड लोग हैं वो फॉल्स केसेस में अभी भी बंद हैं, उनकी छोटी छोटी एक सिपर तक की जो उनकी पिटिशंस हैं उनको कोर्ट एंटरटेन नहीं करता, और अर्नब गोस्वामी की जी प्ली सर है वो अर्जेंट बेसिस पे लग जाती है। और इसी 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 वजह से जो आम लोगों का विश्वास है जुडिशरी में वो रिड्यूस होता जा रहा है। सो बिकॉज जस्टिस जी डिलेड सर इज जस्टिस डिनाइड, और बाकी जो है ही जो पार्शियलिटी है वो तो हमें दिखती है। जी सर जी सर थैंक यू जी। थैंक यू सर। सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू संदीप सर्स व्यूज अबाउट हिज एंटायर एक्सपीरियंस एट सिंगू बॉर्डर एंड वेरियस बॉर्डर्स दैट ही हैज विजिटेड, एंड प्रॉब्ली आज की जजमेंट के बारे में उनके व्यूज क्या हैं, उनके आसपास जो और फार्मर्स हैं उनके व्यूज क्या हैं। सो ओवर टू यू संदीप सर। आप मुझसे कुछ बोल रहे हैं क्या राहुल? जी जी संदीप भैया बोलिए सर। असल में ये मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा, तो राहुल आई थिंक को क्वेश्चन रिपीट करना होगा। संदीप सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बताइए। हमें आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वहां पे, ओवरऑल जी लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के सुप्रीम कोर्ट से कितने जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर आज की जजमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं, या फिर आपके आसपास और जितने आपके साथ लोग गए हैं और जो फार्मर कम्युनिटीज हैं वो क्या जी सोचते जी हैं, अगर आप थोड़े इसके बारे में बता सकें सो इट विल बी रेडी। हाँ। नहीं देखिए, जैसा मैंने कल भी कहा था कि आंदोलनकारी तो कोर्ट गए नहीं थे, कोर्ट तो भाई कोई स्टूडेंट गया था, उसने रास्ता खाली कराने की मांग की थी, उसे लगा था कि जैसे CA NRC के प्रोटेस्ट के समय कोर्ट में किसी ने जाके शहीन बाग का रास्ता खाली कराने का ऑर्डर करवा लिया था, और
उस समय कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रास्ता तो खाली करना ही पड़ेगा क्योंकि लोगों का जो राइट है मूवमेंट का, उसको आप बाधित नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई आपका एक राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, वो भी वायलेट नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला था। तो उससे फर्क इस बार कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोगों को है। बस उसने इतना ही कहा कि उसमें महिलाएं और बुजुर्ग जो है जो शामिल हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी एक इशारा किया है कि भाई कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होगा तो उसके लिए सब लोग जिम्मेदार होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि CNRC और ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसके बीच में भी सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया है उसमें एक भेदभाव है। वो फार्मर्स मूवमेंट को ज़्यादा एक व्यापकता की दृष्टि से देख रहा है, ज़्यादा सिंपैथेटिक भी दिखाई पड़ता है। उसने कहा कि रास्ता लोगों ने नहीं रोका है, सरकार नहीं रोका हुआ, ये बात सही है। आज जब हम वहाँ से निकल के आ रहे थे सिंघू बॉर्डर से, तो आप समझिए कि कम से कम तीन बैरिकेड्स हैं। पहला जो है जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के लोग लगे हुए हैं और उनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उन्होंने ट्रकें खड़ी कर दी हैं सरकार ने सड़क में इस तरीके से कि कोई आ जा ना सके। और उसके बाद फिर एक बैरिकेड है जहाँ फिर काफ़ी भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी हैं, और फिर एक तीसरा बैरिकेड। तीन लाइन बना रखी है सिक्योरिटी की सरकार ने खुद। और जैसा मैंने कल बताया कि निहंग साधु भी आ गए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट की तरफ से पहला लाइन ऑफ डिफेंस उन्होंने बना लिया है। वहाँ पे आप देखेंगे कि उनके सारे खड़े हुए हैं और अपने भाले लेके जो है वो वहाँ पे विजिल कर। तो ये एक बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि कोर्ट को भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहा जाए। और कम से कम ये अच्छी बात है कि कोर्ट ने ये कहा कि रास्ता जो खुलवाने की पिटीशन थी कि रास्ता लोगों ने नहीं रोका है, रास्ता तो सरकार ने रोका हुआ है। क्योंकि सरकार अगर रास्ता खोलेगी तो लोग फिर दिल्ली आएंगे, और सरकार नहीं चाहती है कि जो तो लोगों ने फिर क्या किया कि लोगों ने कि ठीक आप हमें नहीं जाने देंगे तो हम यहीं पे फिर अपना डेरा जमा लेंगे। और हजारों लोग जो है, अगर लाखों में नहीं तो हजारों में तो संख्या है ही है। वैसे कुछ लोगों का अंदाज़ा है कि कुल मिला के जो संख्या है सिंघू पे, टिकरी पे, आपके शाहजहांपुर पे और गाजियाबाद में, ये कुल मिला के संख्या 50 लाख से 1 करोड़ तक की हो सकती है। क्योंकि काफ़ी लोग आ जा रहे हैं, जैसे दिन में बहुत सारे लोग आते हैं गांव से, सब्जियां, दूध, बादाम, तेल, तमाम तरह की सप्लाईज लेके, ताकि आंदोलन चलता रहे। और उनका जो इरादा है, पहले तो उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन अभी आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो एक सप्लाई का सिस्टम बन गया है, क्योंकि गांव में जो लोग बैठे हैं वो भी टीवी पे सारे नज़ारे देख रहे हैं, उनको लगता है कि भाई हम नहीं जा सकते तो कम से कम हम इस तरह से ही सपोर्ट करें कि हम सप्लाईज को वहाँ पहुँचाएँ। तो गाँव से लोग सब्जियां, अनाज और तमाम तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि अब इनकी लंबी तैयारी हो गई है किसानों की भी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि वो इस बात के लिए एकदम डिटरमिंड है कि वो वापस नहीं जाने वाले, बल्कि पूरा माहौल इस तरह का है कि वहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो बोले सो निहाल की कॉल भी दी जाती है, और वो पूरा एक धार्मिक आंदोलन बन गया, कम से कम सिंघू में। तो बाकी जगह भी है लेकिन सिंघू में ज़्यादा दिखाई पड़ता है असर
सिख धर्म के अनुयायियों का वही ज्यादा वहां पे भारी मात्रा में है। और ये मुझे लगता है कि एक बीजेपी को अच्छा जवाब भी है जिसने कि धर्म का इस्तेमाल किया राजनीति के लिए, अब उसको जो है एक दूसरे धर्म ने एक राजनीतिक आंदोलन में, क्योंकि आंदोलन तो राजनीतिक है, सरकार की एक नीति बनी है वो नीति गलत है किसानों की दृष्टि से, किसान उसको चुनौती, और वो जब ये भी एक खास बात है कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना में कहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे और सरकार जो है इन तीन काले कानूनों को वापस ले, तो वो अपनी प्रार्थना में भी जो है यही कह रहे हैं कि सरकार जो है को समझ आए ठीक और वो उन कानूनों को वापस ले। तो ये जो पूरा वहाँ दृश्य है कि लोग रहने के लिए आ गए हैं वहाँ, रहने के लिए टेंट ही नहीं, अब तो जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, जैसे जिस बिल्डिंग में हम लोग ठहरे थे वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन हार्ट हॉस्पिटल है जो ब्रिटिश सिख काउंसिल बना रही है, उस बिल्डिंग पक्की बिल्डिंग के अंदर पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे गद्दे बिछ गए हैं, वहाँ लोग रह रहे हैं, बाहर टेम्प्ररी टॉयलेट्स खड़े हो गए हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, और वो वहाँ साफ सफाई की लगातार व्यवस्था बनी हुई है, वो गंदगी बिल्कुल वहाँ नहीं रहती है, जैसे ही गंदगी इकट्ठी होती है उसकी सफाई हो जाती है, लोग खुद सफाई के काम में भी लगे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सिख धर्म में सफाई को भी बहुत बड़ा महत्व दिया गया है, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने जाके स्वर्ण मंदिर में जूते, उनको कोई परहेज नहीं है सफाई के काम करने में भी, वहाँ पे वॉशिंग मशीन लगी हुई है, जो लोग लंबा रह रहे हैं वो अपने कपड़े धो लें, जैसा मैंने बताया था पहले मेडिकल सर्विसेज के टेंट्स लगे हुए हैं, और बच्चों की क्लास चल रही है बाकायदा जो वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, और खाने पीने की व्यवस्था तो लंगर वाली है ही है, तो ये जो लंगर वाली व्यवस्था है ये इसका एक अद्भुत पक्ष है, क्योंकि ये बाकी आंदोलनों में ये वाला पहलू नहीं रहता है, ये जो पूरा एक सेवा वाली पे आ गई आंदोलन के साथ, तो उसने एक इसको बहुत मजबूत आधार दे दिया, और इसी वजह से तमाम लोग वहाँ आ गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने डेटा डाल दिया है अपने अपने ट्रकों ट्रॉलियों में, टारपोलिन शीट्स डाल के उन्होंने अपनी अस्थाई रहने की वहाँ पे व्यवस्था कर ली है, और एक वो जो सड़क है लंबी सी वो एक हाईवे है, उस पूरे हाईवे पे कतारों में ट्रक्स लगी हुई हैं, और उन ट्रकों के बीच में व्हीकल्स भी चल रही हैं, और मज़ेदार बात यह है कि कोई सुपरवाइजरी मैनेजमेंट नहीं है, उन्हीं ट्रकों के बीच में से गाड़ियां आ जा रही हैं, कॉमन लोग भी आ जा रहे हैं, सिर्फ वहाँ आंदोलनकारी नहीं है, क्योंकि उस सड़क से कई लोग जाते हैं अपने काम करने के लिए, तो सुबह शाम बल्कि जो काम करके घर से लौट रहे होते हैं और वो वहाँ खाना खाते हैं, तो ये बड़ी अचरज की बात है कि इतने सारे लोग होते हुए और वहाँ पे रह रहे हैं, लोग स्थायी रूप से वहाँ पे रहने लगे हैं आंदोलन के दौरान, ना तो वहाँ कोई गंदगी है और ना वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का मिसमैनेजमेंट, उस कंजेस्टेड एरिया भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कभी कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, कोई वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए नहीं लगा है, लेकिन सभी लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी ना हो, और कल वहाँ पे किसी एक किसान ने जहर खा लिया था तो तुरंत लोग वहाँ पे आ गए, उसको अटेंड करने लगे, उसको ले जाया कि एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो ये एक दूसरा पहलू है कि 50 के ऊपर लोगों की जानें चली गई हैं वहाँ पे, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है फ्रस्ट्रेशन में, सरकार के विरोध में एक तरीके से, तो ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाती है समय समय पे, और दूसरा रोचक तथ्य ये है कि
वहाँ पे तमाम पोस्टर्स, लोग बहुत क्रिएटिव हैं, उन्होंने तमाम तरह के पोस्टर्स और प्रदर्शनियाँ लगा रखी हैं। एक पोस्टर ऐसा भी है जिसमें कि जो मीडिया हाउसेस हैं उन्हें सरकार के कुत्तों के रूप में दिखाया गया है जो जंजीरों से बंधे हुए हैं, और एक एक पोस्टर ऐसा भी है जिसमें चेहरा नरेंद्र मोदी का है लेकिन नहीं, चेहरा मुकेश अंबानी का है लेकिन मुखौटा नरेंद्र मोदी का लगा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे क्रिएटिव पोस्टर्स के माध्यम से भी लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, नारों के माध्यम से लोग जो है वहाँ पे अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। जिन बातों को लेके अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए देश के किसी इलाके में तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ, हरियाणा के नाथ, इनके खिलाफ भी वहाँ पे लगातार नारे लग रहे हैं। लेकिन वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है किसी पुलिस के आने का, पुलिस आ ही नहीं सकती वहाँ पे, वहाँ पूरा एक लोगों का नियंत्रण है और ये लोगों की अपनी व्यवस्था है। और ये बड़ा आश्चर्य होता है कि अगर लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाए तो लोग किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर उनके अंदर ये उनका कॉन्शियसनेस लेवल अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसे कि इस समय हो गया है, वो एक आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए वो पूरी अपनी आंदोलन की भावना, पूरी धार्मिक भावना के साथ ये पूरे आंदोलन का संचालन कर रहे हैं और ये गजब का दृश्य। अंकित, you have a question? You've raised a hand. हाँ, थैंक्स राहुल। सर, आई वांट टू नो कि ठीक है, लाइक वी आर टॉकिंग कि ठीक है वहाँ पे बोरा प्रॉपर मैनेजमेंट किया गया है एंड कहने की हमें सिखिज्म कल्चर का वो दिखता है कि वहाँ पे प्रेजेंस दिखता है। आई वांट टू नो कि सर, इतनी ठंड पड़ रही है लाइक दिल्ली में, मैं भी चंडीगढ़ में हूँ एंड शाम के वक्त सुबह के वक्त इतनी ठंड होती है तो लाइक उनको डिफिकल्टी नहीं आती वहाँ पे, कि एल्डरली भी है हमारे, कई बच्चे भी होंगे एंड ये आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा। हम लोग तो वहाँ चार दिन रहे, एक दिन गाजीपुर बॉर्डर पे, एक दिन शाहजहांपुर बॉर्डर पे और दो रात हमने सिंघू बॉर्डर पे बिताई। लेकिन ऐसा जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है वो महसूस तो हो रही थी लेकिन कभी उससे परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ इतने सारे लोग हैं और पूरा ऐसा माहौल है उत्साह का और बाकी व्यवस्था है वहाँ पे। जैसा मैंने बताया कि बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए पानी की व्यवस्था वहाँ पे है, आप नहाने के लिए जो टॉयलेट गर्म पानी ले जा सकते हैं नहाने के लिए, और रात में सेकने के लिए जगह जगह वो अलाव जलाए जाते हैं तो वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो कड़ाके की ठंड पड़ने के बावजूद और टेंट में जब आप अंदर चले जाते हैं टेंट में तो रात में तो पता ही नहीं लगता, तब आप उसी तरह से सो सकते हैं जैसे अपने घर में सोते हैं। ये सारी व्यवस्थाओं के होते हुए और मुझे लगता है इससे बड़ी बात यह है कि जो उत्साह है पूरा वहाँ, उसकी वजह से लोगों को वो ठंड महसूस नहीं हो रही है जो है। और ये मैं कहूँगा कि आंदोलन की में जो एक गर्माहट है, एक जो लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, आपस की जो आत्मीयता है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और वहाँ पे मिलजुल के जो है, एकदम अपरिचित लोग हैं लेकिन मिलजुल के वहाँ पे लोग, आज सुबह जब हम चल रहे थे हमारे साथ हरदोई के एक साथी आए हुए हैं राम भरोसे जी, तो हमारे उनके पास, हम लोगों के पास तो फिर भी सामान था, उनके पास एक झोला ही था तो एक सरदार जी ने अपना कंबल उनको दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये रखिए आप, आपके काम आएगा। तो इस तरह की वहाँ भावना है कि लोग अगर किसी को भी कुछ कष्ट हो तो लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार है, ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए वो कष्ट महसूस नहीं होता। सेवा भाव तो सर ना आई थिंक सिखिज्म ही सिखाती है, मतलब जो गुरु नानक देव जी थे ना, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। हाँ। तो वंड के खाओ राहुल, इफ आई एम राइट, राइट वंड के खाओ, जो एक स्टोरी भी सुनी थी हमने, तो जी जी, ये सिख धर्म का एक बड़ा योगदान है कि उसने जो हिंदुस्तान से जाति प्रथा को मिटाने के लिए लंगर की
की सेवा शुरू की जिसमें कि बिना जाति धर्म पूछे आप वहां जाके और पंगत में बैठ के खा सकते हैं। ये बड़ी बात है। देखिए हिंदू धर्म में या इस्लाम में आप जाइए तो आपको मंदिर और मस्जिद के बाहर लोग भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, तो वहां पे अगर कोई देता है तो वो भीख के रूप में देता है और लेने वाला भी उसको भीख के रूप में लेता है। लेकिन आप अगर गुरुद्वारे के अंदर जाएंगे तो आप पूरे सम्मान के साथ आपको बिठाया जाएगा, गरीब और अमीर साथ में बैठता है और वहाँ किसी की जाति नहीं पूछी जाती, किसी का धर्म नहीं पूछा जाता। In fact, sir, sorry to interrupt. Hello. हाँ बताइए राहुल। हाँ जी, मैं जस्ट बोल रहा था कि मैं कुछ टाइम काम के सिलसिले में चाइना में था, शंघाई में। सो वहाँ आई हैपन टू विजिट इंडियन काउंसुलेट जब गुरु नानक देव जी की 550th बर्थ एनिवर्सरी थी। सो विल यू बिलीव वहाँ पे कुछ फॉरनर्स आए हुए थे एंड चाइनीज आए हुए थे एंड दे सेड दैट दीज आर द सेम पीपल हु ऑफर फ्री फूड। So they associated Sikhs with or Sikhism with people who are very generous, who are so generous के वो किसी को भी free food offer करते हैं। और actually Western culture में free में कुछ चीज offer करना it is a very very big thing because people generally they are so involved in themselves के वो free में चीजें नहीं देते हैं। So Sikhism का मैं कह रहा हूँ influence जो है वो worldwide इतना ज़्यादा prominent है considering वो ऐसे लोग हैं जो हर बिना किसी धर्म के बिना किसी मजहब के वो देने में लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। जी जी जी। और हाँ एक मैं रोचक पहलू बताना भूल गया, वहाँ पे ब्रिटिश सिख काउंसिल, खालसा एड जो इंग्लैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ इस तरह की जो ओवरसीज सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। बल्कि एक एक पोस्टर हमने ये भी देखा कि NRIs in support of farmers. आप देखिए अगर ये कोई और मूवमेंट होता या जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने बहुत सारे NGOs की FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए ये कहते हुए कि भाई इनको फॉरेन फंड मिल रहा है और ये देश में देश विरोधी काम कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में नहीं कर रही है क्योंकि एक बड़ा सिख समुदाय है जो बाहर रहता है और वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। कनाडा में जो सरकार चल रही है इस समय उसमें एक अलायंस में पार्टनर है, मुझे उस पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा, उसका हेड एक सिख है। तो जब बीच में वो ट्रूडो ने फार्मर्स मूवमेंट के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट दे दिया था तो हमारे लोगों ने कहा कि ये कनाडा वाले हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री को इस आंदोलन के समर्थन में इसलिए बात करनी पड़ी क्योंकि उसकी अपनी सरकार एक ऐसी पार्टी के सपोर्ट पे टिकी हुई है जिसका प्रमुख एक सिख है। तो ये जो कम्युनिटी है ये फाइनेंशियली तो इन्फ्लुएंशियल है ही है, पॉलिटिकली भी ऐसा लग रहा है कि इसका इन्फ्लुएंस इतना है कि हमारी बीजेपी की सरकार जो बिल्कुल इस बात में देर नहीं करती कि किसी के ऊपर भी वो उंगली उठा देती है कि ये फॉरेन फंडेड है। और आप देखिए अभी हमारे फैजल खान को जब वहाँ मथुरा में उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनके ऊपर भी यही आरोप लगा कि ये कोई विदेशी ताकतें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं ताकि ये हिंदुस्तान का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ें। तो ये तो इनका एक स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस आंदोलन में खुलेआम वहाँ पोस्टर लगे हैं NRIs इन सपोर्ट ऑफ फार्मर्स और सरकार ये वाला सवाल नहीं उठा रही है वहाँ। तो आपने ये सवाल पूछे 26 जनवरी की क्या तैयारी है और क्या वो बैरिकेड सर, उससे पहले आई एम सॉरी ओंकार जी ने हाथ खड़ा किया हुआ। सो ओंकार जी, यू वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हो? जी सर। सर ऐसा है कि आप सिख धर्म की बात कर रहे थे कि हम वहाँ पे लंगर लगाए हुए हैं, तो जो हमारे ऐसा है हमारे गांव में भी अनाउंसमेंट हुई थी गुरुद्वारा में कि हर एक घर से जितनी जमीन है जिसके पास उससे उसके हिसाब से पैसा लिया दिल्ली के लिए, और अगर कोई बंदा नहीं जा सकता वहां पे तो 5 दिन का वो 1,000 रुपया जमा करवाएगा, उसकी जगह पे कोई और बंदे को लेके जाएगा जो मर्जी एडजस्टमेंट करे। तो 5 दिन बाद मेरे गाँव से एक बस जाती है वहां पे, 25 लोग जाते हैं, 5 दिन वहां रहते हैं, हमारी वहां ट्राली है 2 उसमें रहते हैं और 5 दिन के बाद वो आ जाते हैं, अगले चले जाते हैं। वो खर्चा पूरे गांव वाले कर रहे हैं,
तो जो लंगर की बात है, जिसके पास जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो वो लोग वहां पे जाके रहते हैं, लंगर बनाते हैं, वो मैन पावर की वो जो सपोर्ट देते हैं सर वहां पे। मगर जो वहां पे मुस्लिम भाई है, उन्होंने भी लंगर लगाया हुआ है, NRI आ रहे हैं, ये गोदी मीडिया है, ये बिल्कुल इसको नहीं दिखा रहा, और कुछ अच्छे पत्रकार भी हैं जो इसको दिखा रहे हैं सर, थोड़े हैं, मतलब ज्यादा तो जो गोदी मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है इसको। जैसे NRI आ रहे हैं वहां पे हरियाणा वाले, और जो दूसरी स्टेट्स वाले सभी इकट्ठे हो गए एक बार, ये गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा सर जो इकट्ठे हो रहे हैं और जो दिखा रहे हैं। चलो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये उस टाइम से चल रहा है जब से लोग शंभू बॉर्डर पे भी बैठे हैं, जब से पंजाब में, तो क्योंकि 2 महीने पहले से सब कुछ चल रहा है। जी, तो मेरे पिंड में भी, हाँ जी, मेरे पिंड में भी सेम होता है, तो काफी लोग, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो नहीं जा सकते वो फाइनेंशियली कर रहे हैं। जी तो सर, जी मेरे पिंड में भी, मैं भी वहां पे जाके आया हूँ, सिंघू बॉर्डर पे रह के आया हूँ, वहां से सीखने को बहुत कुछ मिला। जब हम जा रहे थे ना रास्ते में, टोल टैक्स पे NRI थे वीर, 20-25 लोग थे, वहां पे लंगर लगा हुआ था चाय का, हम चाय पी रहे थे, तो वहां पे वो NRI जो नीचे कुछ कूड़ा करकट डिगा हुआ था उसको उठा के डस्टबिन में फेंक रहे थे, तो उन्हें देखकर हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि हम कनाडा से आए हैं और स्पेशल धरने के लिए आए हैं, और इन्होंने थोड़ा वो उसको जो मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है ऐसी जो खबर है, वो तो हमें अपने आप ही मीडिया का, हमें ही सोशल मीडिया पे अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा जो काम है अपने आप मीडिया बनना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं दिखाएंगे वो कि बाहरले बंदे जो सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इन्होंने कोरोना का बहाना लगा के, सर अभी थोड़ी देर पहले आपको पता ही होगा कि टेस्टिंग दोबारा शुरू कर दी थी कि उनकी जो सपोर्ट है वो रुकी जाए, मगर वो अब नहीं, मुझे नहीं लगता कि रुकेगी, बहुत अच्छा जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मीडिया है बहुत, जो गंदा मीडिया है वो इसको नहीं दिखा रहा सर। और वहां पे जाके देखा मुस्लिम भाई भी लंगर लगाई बैठे हैं वहां पे हमारे के लिए, और स्टार्टिंग में सिंघू बॉर्डर पे जो हरियाणा वाले वीर है वो वहां पे वेलकम करते हैं सर सभी का, हाथ जोड़ के, 4-5 ट्राली उनकी स्टार्टिंग में है, जब मैं गया था तब थी, अब मुझे पता नहीं, और वहां पे अपने आप ही उनको देख के हमें भी ऐसा लगा, हम मूंगफली खा रहे थे, हर एक ट्राली के पीछे 2-2 थैले बंधे हुए थे खाली डस्टबिन के तौर पे, हम भी कुछ भी उससे कूड़ा करकट नीचे नहीं डिग नहीं रहे थे, ऐसे लगता था कि भी इसमें डालें, देख के बड़ा कुछ सीखने को मिला सर वहां से, और जो भाई शार्क सांझ है, बड़ा कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली जो ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। शुक्रिया जी। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो ये जो आपने सवाल पूछे हैं इसके मैं जवाब दे दूं। देखिए 26 तारीख की तो तैयारी है, लेकिन उसके पहले परसों वहां एक मीटिंग हुई थी जिसमें मेधा पाटकर जी भी मौजूद थी, और ये तय हुआ है कि पहले 13 और 14 जनवरी को, 13 जनवरी को महिला किसान दिवस है, तो यानी कि कल तो उस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 को मकर संक्रांति है, तो ये तय हुआ है कि तिलकुट के लंगर लगाए जाएं जगह जगह पूरे भारत में इस किसान आंदोलन के समर्थन में, और फिर 23 जनवरी आ रही है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो ये तय हुआ है कि नहीं 23 जनवरी जो है, हाँ हाँ, सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, तो ये तय हुआ है कि उस दिन भी कार्यक्रम लिए जाए किसान आंदोलन के समर्थन में, और 20 जनवरी के बाद जो है दिल्ली का कार्यक्रम अनाउंस होगा 26 जनवरी का। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी से वहाँ ये बातें होने लगी हैं कि 26 जनवरी को हम लाल किले पे चलेंगे, तो ये एक तरीके से, और पूरा जो वहाँ पे मूड है इस समय का वो ये है कि हम दिल्ली में बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ, पैदल, अपनी गाड़ियों के साथ दिल्ली में प्रवेश करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इससे कैसे निपटेगी, क्योंकि सरकार के पास 2 ही तरीके हैं, या तो वो बातचीत करके और इन तीनों कानूनों को वापस ले ताकि आंदोलन वापस लिया जा सके, और अगर सरकार ने कहीं दमन की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसका पूरा इतिहास देश के सामने है कि उस तरह की कार्रवाई सरकार को बहुत भारी पड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार दमन की कोई कार्रवाई करने की हिम्मत करेगी, बेहतर ये होगा कि वो कोई इसका शांतिपूर्ण रास्ता निकाले।
लेकिन तैयारी तो बड़ी बड़े बड़े पैमाने पे है, उसका ऐलान वहां से हो रहा है और मुझे लग रहा है कि ये संदेश पंजाब हरियाणा और दूसरी जगहों पे भी जा ही रहा है, तो लोग भी तैयारी करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार कैसे निपटेगी इससे। और दूसरे जो सवाल आपने पूछे थे कि क्या सरकार के ऊपर और दबाव बनाने के लिए राज्यों में भी जहाँ जहाँ बीजेपी सरकारें हैं कुछ प्रदर्शन होने चाहिए, तो हमने आप बताई उत्तर प्रदेश के अंदर हम 26 जनवरी को उन जवानों के साथ राज्य की राजधानी को घेरेंगे जो जिनसे किसान परेशान हैं, और योगी आदित्यनाथ के विज्ञापन आप देखेंगे गायों को गुड़ खिलाते हुए, लेकिन अगर जो गौशालाएं उन्होंने स्थापित की हैं वहां आप जाएं तो वहां गायों को खिलाने की व्यवस्था नहीं है, और गांव से जो खुले जानवर हैं उनको गौशाला तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था नहीं है। जब हरदोई जिले में हमारे साथियों ने पशु चिकित्सा अधिकारी से कहा कि भाई आप इन 52 जानवरों को गौशाला में ले जाएं, तो उसने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपको इनको खुद लाना पड़ेगा, और 15 किलोमीटर 35 लोग 28 जानवरों को लेके चल के गए। तो सरकार का अपना जो एजेंडा है गौ रक्षा का, उसको भी वो ठीक से काम नहीं कर रही है। तो इस मुद्दे पे उत्तर प्रदेश में तो घेरा जाएगा सरकार को, और बाकी राज्यों में भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ योजना बन रही है। पंजाब में तो आपने देखा किस तरह से खट्टर साहब के हेलीकॉप्टर को परसों नहीं उतरने दिया गया, उनके टेंट को आंदोलनकारियों ने उखाड़ के फेंक दिया, और ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री खट्टर की कोई भी सभा हरियाणा के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है लोगों में, और अब देखेगी। और तीसरी बात कि बीजेपी सरकार इन कानूनों को क्यों नहीं वापस लेती, क्या ये वजह है कि उसे लगता है कि आंदोलन अभी मूलतः पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है? ये बात सही है, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो उनको नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी आबादी है जो देश की राजनीति को प्रभावित करेगी, लेकिन हमें लगता है कि भले ही और जगह के किसान अभी निकल के आंदोलन में नहीं आए हैं, लेकिन ये संदेश तो चला गया है अच्छी तरह से इस आंदोलन से कि सरकार किसान विरोधी, सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो किसान विरोधी हैं, और इतना ही नहीं वो कॉरपोरेट के हित में है कि वो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए उसने ये कानूनों को बनाया है, और किसान का इससे नुकसान होने वाला है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये एक बहुत अच्छी बात हुई इस आंदोलन से कि सबको समझ में आ गया कि पंजाब और हरियाणा के किसान की समृद्धि का एक राज ये भी है कि वहां पे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है जो उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पे नहीं मिलता है। तो अगर उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों के किसानों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने लगे, जैसे जो इस समय धान की खरीद में 1868 रुपए और 1888 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए जो किसान को नहीं मिल रहा है, वो मजबूर है अपने अपने अनाज को बेचने के लिए 900 रुपए 1000 रुपए ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए में निजी व्यापारियों को। अच्छा, कल मैंने एक बात मेरी कहने रह गई थी, कल किसी साथी ने ये सवाल पूछा था कि इस समय खरीद धान की जो है बंपर हुई है और पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार MSP दे रही है। देखिए, इसमें एक छिपी हुई बात है जो समझनी चाहिए कि सरकार के खरीद केंद्र पे किसानों से खरीद नहीं की जाती है, बिचौलिए किसान से खरीदते हैं और फिर उसको सरकार के खरीद केंद्र पे बेचते हैं। सरकार को खरीदना इसलिए जरूरी है कि सरकार खरीदेगी नहीं तो भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में अनाज नहीं रहेगा, और फिर अनाज नहीं रहेगा तो वो राशन प्रणाली में कौन सा क्या चीज देगी। तो अपनी राशन व्यवस्था को चलाने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज होना जरूरी है, और वो किसानों से ना खरीद के वो बिचौलियों से खरीदती है सरकार। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और बिचौलिये जिस दाम पे किसान से खरीदते हैं उसका अंतर जो है उसकी बंदरबांट होती है गांव में, अधिकारियों में और बिचौलियों में। तो रिकॉर्ड पे तो आप हो, लेकिन वो खरीद सीधे किसानों से नहीं हो रही है, वो बिचौलियों से हो रही है, ये बात समझने वाली है। और इस बार सरकार ने यह प्रयास भी किया है ये दिखाने के लिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वो अनाज खरीदती है,
लेकिन आपको ये भी खबरें पढ़ने को मिलेंगी कि बाराबंकी और अन्य जिलों में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदा जा रहा है। तो ये इसका इसका जो ये जो संदेश है ये तो राष्ट्रीय स्तर पे मुझे लगता है चला गया अच्छी तरह से। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कोविड की क्या सिचुएशन है। अब देखिए, लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये कोरोना में ये जो मास्क बंधवाने वाला और दूरी बना के रखने वाला जो एक दिशा निर्देश है, ये इसका इस्तेमाल सरकार ने तो खूब किया लोगों को नियंत्रित करने के लिए कि कोई उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन ना हो और इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब बिहार में चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हुई, उसमें कहीं कोई दूरी का पालन नहीं किया गया और मास्क की अनिवार्यता नहीं थी। उसके बाद हैदराबाद में चुनाव हुआ महानगर पालिका का, वहाँ भी भीड़ जुटी। और फिर आप देखिए, अभी बंगाल का चुनाव बहुत दूर है लेकिन अमित शाह बंगाल गए। आप उस दिन की आप वीडियो फुटेज देख लीजिए, न तो अमित शाह के चेहरे पे मास्क लगा है और न सुवेंदु जो अधिकारी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जो भाजपा में शामिल हुए हैं, न उनके चेहरे पे है या मंच पे किसी के चेहरे पे आपको मास्क दिखेगा। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि ये मास्क और दूरी का नाटक सिर्फ जनता को नियंत्रित करने के लिए है। लोग कह रहे हैं कि रेलगाड़ियों में जनरल क्लास में अभी यात्रा की सुविधा सरकार नहीं दे रही है क्योंकि बहुत सारे लोग इस आंदोलन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपके पास टिकट ना हो तो आप रेल में भी सफर नहीं कर सकते। बस का किराया रेल से 3 गुना महंगा है, बस में सब लोग जा नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई अब लोगों को नजर आ रही है कि लोगों की शक्ति को कमजोर करने के लिए और लोग परेशान करने के लिए सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन असल में तो इसका कोई खाई नहीं पड़ता होगा। मतलब आप देखिए, मैं आज 5 दिन हो गया जब मैं आया था 8 तारीख को, उस दिन से मैंने आज तक मास्क नहीं पहना। दिल्ली में आते हुए मास्क सिर्फ इसलिए पहना क्योंकि मास्क ना पहनने पे फाइन लग जाता है, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ भाड़ है और आपको कोई भी वहाँ पे मास्क पहने हुए नहीं दिखेगा। तो इस ये जो बीमारी थी कोरोना वायरस की, ये ज़रूर एक बीमारी थी, मुझे भी कोविड हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मास्क पहनने से रुक जाती है या दूरी बनाने से रुक जाती है। जिसको होना है वो होगी ही, जैसे अन्य बीमारियां होती हैं, और अगर आप ठीक से देखभाल करेंगे तो वो बीमारी ठीक भी हो जाएगी। कुछ लोग मरते हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियों से लोग मरते हैं, टीबी से लोग मर जाते हैं, कैंसर से लोग मर जाते हैं, उसी तरह से कोरोना से भी कुछ लोग मरे, लेकिन उन मरने वालों का प्रतिशत देखा जाए तो वो बहुत कम है। तो इसको जो हवा बनाया गया और लोगों को मास्क पहना के दूरी बना के रखने का जो दिशा निर्देश जारी किया गया, ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ लोगों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं मानती है इसको, अगर उनके उनके आप कार्यक्रमों को देखें तो। किसान आंदोलन में कहीं कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कहीं कोई दूरी बना के नहीं रख रहा है, लेकिन आज तक 1 महीने से ऊपर हो गया, 40 दिन से 50 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कोरोना से मौत हुई हो ये कोई खबर अभी तक नहीं आई। आत्महत्या से जरूर लोग 50 के ऊपर लोग मर गए। हाँ भाई, श्योर, थैंक यू सर। सो आई थिंक टाइम भी हो गया, सो कोई और पॉइंट है जो कोई भी आके बोलना चाहेगा, किसी और कोई क्वेश्चन हो? जी गुलजार सर ने भी ज्वाइन किया है, सो गुलजार सर, आपके कोई थॉट्स आज की जजमेंट के बारे में, कोई आपके व्यू पॉइंट्स आज की जो कमिटी फॉर्म हुई है उसके बारे में? ये आप क्या मुझसे पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, गुलजार सर को बोल रहा हूँ, गुलजार सर ने भी ज्वाइन किया। अच्छा, गुलजार
सर थोड़ी आवाज नहीं आती भी क्लियर। गुड इवनिंग सर, नहीं सर आई गेस सिग्नल प्रॉब्लम है, थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आती। एम आई ऑडिबल? गुजरात की वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी ना? आई थिंक उनका डिस्कनेक्शन हो गया है। तो राहुल आई थिंक वी आर रनिंग आल्सो, आई थिंक वी आर रीचिंग आउट ऑफ टाइम। या या राइट, सो डू यू वांट टू कंक्लूड अंकित? नहीं यू कैन कंक्लूड ऑफ कोर्स। नहीं यू यू आर गुड टू कंक्लूड, सो यू कैन कंक्लूड। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक संदीप सर कि उन्होंने आई थिंक अभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, नेटवर्क इश्यू भी है, बट स्टिल ही टुक टाइम, वो अपना एक्सपीरियंस दिल्ली प्रोटेस्ट में उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा वो बता पाए। एंड बेसिकली राहुल टू बी फ्रैंक मुझे लगता है कि सिखिज्म जहाँ पे भी जाएंगे ना वो अपना कल्चर वहाँ बसा लेंगे, जैसे ना हम जहाँ पे जाएंगे अपना गाँव बसा लेंगे, उनका वही सिस्टम है, उनका वही उनका इफ वी टॉक अबाउट क्लैनलीनेस की बात की जाए, अपना अपना लोगों की सेवा की भाव की बात की जाए, जैसे कल भी बताया गया था कि स्कूल्स का बच्चों के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स का निर्माण किया गया वहाँ पे, हॉस्पिटल्स है, एंड कोई किसी भी देश के किसी भी कोने से आए उनको अगर रिसोर्सेज की कमी लगती है तो खुद अपना, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपना कम्बल, एक सिख सरदार जी ने अपना कम्बल एक किसी को दे दिया, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमें उनका कल्चर का झलक दिख ही जाता है। और मोस्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पे इतना जोश है कि उनको ठंड, अभी चंडीगढ़ में हूँ एंड यू कैन सी कि मैंने पूरा मफलर वगैरह डाल रखा है तो ठंड तो काफ़ी है, बट आई थिंक वहाँ पे जोश और माहौल ऐसा बना हुआ है कि पीपल दे आर नॉट फीलिंग एनी काइंड ऑफ कोल्ड, सो दैट्स ऑलवेज गुड टू हियर। एंड टुडे वी टॉक बेसिकली टॉक्ड अबाउट सम काइंड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन द पीपल हैव विद द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ शो कर रहा है कि वो फार्मर्स के साथ है, सिंपथेटिक है, बट एक तरफ अगर कमेटी की बात की जाए तो उन्होंने जो पैनल चूज किया है वो जैसे कुछ आर्टिकल्स या कुछ न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रो फार्मर बिल है, लाइक दे शुड बी न्यूट्रल, अ कमेटी शुड बी न्यूट्रल, बट कहीं ना कहीं वो प्रो फार्मर बिल है, लाइक दे आर विद द गवर्नमेंट, तो ऐसे तो हम कंक्लूजन नहीं ले पाएंगे। सो आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे सेशन। आई थिंक राहुल आई हैव दिस इज ऑलवेज डिस्कस टूडे, राइट? या दैट्स राइट। So thank you everyone, thank you Bobby ji our session ke liye, and Onkar ji of course for your motivating point, and yeah, thank you Rahul for moderating today's session. Thank you, glad to be